गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत रेलेवेंट टॉपिक, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बोला था कि आज हम लोग को बहुत रेलेवेंट टॉपिक पढ़ना है। और बेसिकली जो आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस से, वो बेसिकली इसी टॉपिक को से आते हैं। और तो इसीलिए हमें इस टॉपिक पे बहुत अच्छे से डिस्कस करना है, ठीक है। बहुत रेलेवेंट टॉपिक है और इस टॉपिक पे हम लोग को बहुत डीप में समझना है कि क्या है कैसे, क्योंकि अगर आप इसको समझ गए तो आई गेस 14 मार्क्स जो आपके आते हैं वो कोई भी आपसे ले नहीं सकता है। बहुत इजी कंसेप्चुअली क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इजीली हम लोग उसको डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। तो मैं अभी फ़िलहाल में 2 मिनट का आपको टाइम देता हूँ, 2 मिनट में आप उसको पूरा नोट कर लो जितनी भी चीज़ें लिखी हैं, या आप चाहे तो वीडियो पॉज करके भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए तो आज देखते हैं। हमने बोला था कि रेसिडेंशियल स्टेटस में रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट और रेसिडेंट के अंदर में आरओआर और आरएनओआर आते हैं, उसी का हम लोगों ने बाइफरकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। अब मामला फंसता है कि पहली क्लास में हमने बताया था कि इनकम जो होती है, इनकम टैक्स जो होता है वो इनकम पे लगता है, और इनकम जो है वो किस आदमी की कितनी इनकम होगी वो उसके रेसिडेंशियल स्टेटस पे बेस्ड होता है, कि उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से उनकी उसकी इनकम निकाली जाती है और उस इनकम पे इनकम टैक्स लगता है। यानी कि सारी इनकम जो होती है वो सबको एक बराबर टैक्स देना हो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वो जो इनकम जो मुझे मिल रही है उस पर मुझे टैक्स पे करना पड़े, वही हो सकता है कि वही इनकम किसी और को हो रही है और उस पर शायद उसे टैक्स ना पे करना पड़े। सेम तरह की इनकम हो रही है बट हो सकता है कि वो टैक्स पे कर रहा हो और मैं टैक्स ना पे कर रहा हूं, या मैं टैक्स पे कर रहा हूं और वो टैक्स ना पे कर रहा हूं। कैसे होता है वो फॉलोइंग इस चार्ट से आपको क्लियर हो जाएगा, और इसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब कि टैक्स की लायबिलिटी या किसके ऊपर इनकम पे टैक्स लगेगा, ठीक है। अच्छा, तो अब देखते हैं। तो पहला जो हमारे पास दिया हुआ इंसिडेंस ऑफ टैक्स में, उसमें लिखा हुआ है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। कोई भी इनकम जो आपको रिसीव कहां हुई है, सर वो मुझे रिसीव हुई है इंडिया में, और वो अक्रू और अराइज कहीं भी हुई हो। वैसे तो अक्रू और अराइज में कोई डिफरेंस नहीं होता है नॉर्मली, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनकम टैक्स के लिए उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट थोड़ा बहुत बेसिक ये होता है कि अक्रू का मतलब होता है इनकम जनरेट होना, ड्यू होना जिसको कह सकते हो, कि इनकम ड्यू हो गई है, और अराइज का मतलब होता है कि मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको कहाँ पे उसको मेंशन किया है या नहीं किया है। अक्रू का मतलब होता है कि मैंने वो इनकम अर्न कर ली है, ड्यू हो चुकी है, और अराइज का मतलब होता है कि मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या किसी भी कोई भी बेसिस पे लगाता हूं, उस बेसिस पे मैंने उस इनकम को रिकॉर्ड कर दिया है, ठीक। तो अराइज का मतलब कि इनकम जो है वो अराइज हो गई है। तो रिसीव हुई है इंडिया में, यानी कि कोई भी इनकम अगर आपको भारत में आपने रिसीव किया है, अब वो इनकम कहीं भी अराइज हुई हो, कहीं से भी एक्रू हुई हो, उससे कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ, मैं वहाँ पे जॉब करता हूँ, मैं वहाँ पढ़ाता हूँ, और मुझे कोई इनकम जो थी, मैं यहाँ पे इंडिया में आकर के सर्विस दिया, और या कह सकते हो कि मैं वो जो सैलरी थी वो मैंने इंडिया से रिसीव कर ली, यहाँ इंडिया में आकर के रिसीव कर ली, तो वो जो रिसीव होगा अगर इंडिया में हो गया तो आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं 30 दिन वहां पे सैलरी पे पढ़ाया और उसके बाद से 31 तारीख को मैं इंडिया में आ गया और मैंने बोला कि मेरी सैलरी मुझे यहीं पे भेज दो, ठीक, तो वो इनकम अगर मैं यहां रिसीव करता हूं तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि मैंने इंडिया में क्या किया है, रिसीव किया है। यानी कि कोई भी ऐसी इनकम अगर आप इंडिया में रिसीव करते हो तो आपको इंडिया पे टैक्स देना ही देना पड़ेगा, कहीं भी अक्रू हुआ उससे कोई मतलब नहीं है।
दूसरा है इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया रिसीव्ड एनीवेयर। दूसरा इसी का उल्टा है कि मैं यहां पे पढ़ाता हूं और मैं सपोज इनकम जो है रिसीव मैंने बाहर कर ली या कहीं भी रिसीव कर ली, तो अगर मैं इंडिया में इनकम अर्न हुई है और मैं उसको दुनिया के किसी भी कोने में रिसीव करता हूं तो वो इनकम पे इनकम टैक्स मुझे इंडिया में ही देना पड़ेगा। तो इनकम अगर आपने रिसीव की इंडिया में तो टैक्स दो, और इनकम अगर आपने यहां पे अर्न कर ली है तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, आप बाहर रिसीव करो या कहीं भी रिसीव करो। क्लियर हो गया? तो इनकम रिसीव क्लियर हो गया और इनकम एक्रू क्लियर हो गया कि मैं रिसीव किया इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, मैंने यहां अर्न कर लिया तो भी मुझे टैक्स देना पड़ेगा चाहे मैं कहीं भी रिसीव करूं। ठीक, इन दोनों में तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, नॉर्मल इजी भी है। मैंने सैलरी यहां पे कमाई, मुझे यहां पे टैक्स देना पड़ेगा। मैंने यहां पे इनकम रिसीव की, मैंने सैलरी यहां पे रिसीव की तो मुझे यहां पे टैक्स देना होगा। मैंने रेंट यहां रिसीव किया, मुझे यहां टैक्स देना होगा, भले मेरा घर कहां हो, विदेश में हो। विदेश में घर है, उस व्यक्ति से इनकम मैंने यानी कि रेंट ये मैंने यहां रिसीव किया तो मुझे यहां टैक्स देना होगा। क्लियर हो गया? एक्रू बाहर हुई, रिसीव इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। मेरा यहां पे घर है मैंने, लेकिन सैलरी मैंने अमेरिका में, सॉरी मैंने यहां पे मेरा घर है और मैंने रेंट जो है वो अमेरिका में रिसीव किया कि मुझे अमेरिका में ही दे दो, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रिसीव आउटसाइड इंडिया बट एक्रू इन इंडिया, तो एक्रू इंडिया में टैक्स आपको देना पड़ेगा। आगे बात सुनना। नेक्स्ट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और इस पर अभी हम लोग को डिस्कस भी करना है बहुत अच्छे से। एक लिखा हुआ है इनकम डीम्ड टू, इनकम डीम टू एक्रोराइज इन इंडिया, और एक हमें लिखा है इनकम डीम टू रिसीव इन इंडिया। ये दोनों पे हमें बहुत अच्छे से डिस्कस करना है, तो सिर्फ और सिर्फ अभी हम लोग ये नो चीज नोटिस का लिख देते हैं, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होता है कैसे होता है। ठीक है, दोनों पॉइंट पे हमको डिस्कस करना है। अगर कोई इनकम जो है वो यहां पे रिसीव हुई है तो, या ऐसी कोई भी इनकम जो मान ली गई है, डीम्ड का मतलब मान ली गई है कि अगर इंडिया में रिसीव हुआ है तो आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। सर ऐसी कौन सी इनकम होती है जो मान ली जाती है इंडिया में रिसीव हुआ है, चर्चा करेंगे। उसी तरीके से ऐसी कोई भी इनकम जो यहां एक्रू या अराइज नहीं हुई है लेकिन मान ली जाएगी कि वो एक्रू या अराइज कहां हुई है, इंडिया में हुई है, ऐसी कौन कौन सी इनकम होती है इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। बट बेसिक अभी दो चीजें याद रखिए, डीम्ड का मतलब होता है मान लेना यानी कि वो इनकम जो मैंने इंडिया में रिसीव कर ली है वो, या ऐसी इनकम जो मान ली जाएगी कि इंडिया में आपने रिसीव किया भले आपने रिसीव नहीं किया। उसी तरीके से तीसरा, आपने इनकम एक्रू कर ली है, अर्न कर ली है, आपको टैक्स देना पड़ेगा इंडिया में। अगर आपने इनकम एक्रू या अराइज इंडिया में नहीं हुई है लेकिन अगर वो इनकम मान ली जा रही है, डीम मान लिया जाएगा कि वो इनकम कहां एक्रू या अराइज हुई है, इंडिया में हुई है। ठीक, और इन चारों ही केस में, इन चारों ही केस में मैं लिख भी देता हूं, इन चारों केस में चाहे वो आरओआर हो, चाहे वो आरएनओआर हो, चाहे वो एनआर हो, तीनों को टैक्स देना पड़ेगा, तीनों को टैक्स देना पड़ेगा। सर एक बार क्लियर कर दीजिए, मैंने कहा कि अगर कोई इनकम रिसीव हुई है इंडिया में तो बेटा आरओआर भी टैक्स देगा, आरएनओआर भी टैक्स देगा और एनआर भी टैक्स देगा। सर एनआर तो बाहर रहता है, मैंने कहा बाहर रहता है तो क्या दिक्कत है, इनकम रिसीव तो इंडिया में कर रहा है, अगर इनकम रिसीव कर रहा है तो टैक्स देना पड़ेगा। उसी तरीके से इनकम डीम टू रिसीव, अगर कोई ऐसी इनकम है जो डीम की है, मान ली गई रिसीव हुई है, तो उसको भी तीनों केस में देना होगा। डीम सॉरी एक्रू अराइज उसमें भी तीनों को देना पड़ेगा, और डीम टू एक्रू अराइज उसमें भी तीनों को देना पड़ेगा। यानी कि ऐसी चार इनकम जो होती है उसको हर केस में टैक्स देना पड़ेगा चाहे वो कहीं पे भी हो, यानी कि आरओआर भी देगा, आरएनओआर भी देगा और एनआर भी देगा। ठीक है सर। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया। ये क्लियर हो गया कि जो बिजनेस एंड प्रोफेशन है वो है कहां, आउटसाइड इंडिया। ये क्लियर है, यानी कि साफ साफ कहा जा रहा है कि जो आपका बिजनेस है या जो आपको प्रोफेशन से इनकम हो रही है वो है कहां, बाहर। क्लियर है, ये बाहर है।
उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम देखते हैं कि उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल किसके हाथ में या कहां से हो रहा है। याद करिए, अभी हम लोग पढ़े थे कुछ देर पहले रेसिडेंशियल स्टेटस, उसमें पढ़े थे फॉर्म का, और फॉर्म में पढ़े थे कि वो कहां से कंट्रोल होता है। लेकिन यहां पे उसकी बात नहीं हो रही, यहां पे किसकी बात हो रही, इंडिविजुअल और एचयूएफ की। इंडिविजुअल और एचयूएफ जिस कंपनी या जिस फॉर्म या जिस जिसमें भी काम करते हैं, वो जो है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन जो है, या वो उसकी खुद की बिजनेस और प्रोफेशन है, जो कि मैनेज और कंट्रोल कहां होती है, इंडिया से होती है। तो उस केस में रेसिडेंट देगा, यानी कि आरओआर देगा और आरएनओआर देगा। यानी कि ऐसा कोई भी बिजनेस एंड प्रोफेशन से आपको इनकम हुई है जो बाहर आपने रिसीव की है, बाहरी एक्रू भी हुई है, सब कुछ बाहरी है, तो उस केस में हम देखते हैं कि उस बिजनेस का कंट्रोल कहां से है। यानी कि ध्यान सुनिए, मैं जापान में काम करता हूं, मैं जापान में ही काम भी किया हूं, इसका मतलब अर्न भी कहां हुआ है, जापान में। मैं रिसीव भी कहां किया हूं, जापान में। मैंने अर्न भी जापान में किया, रिसीव भी जापान में किया। जल्दी से बताओ, क्या वो इसमें आएगा? नहीं, क्योंकि जापान में रिसीव है। क्या वो डीम्ड रिसीव में आएगा? नहीं। क्या वो एक्रू में आएगा? नहीं। क्या वो डीम्ड टू एक्रू में आएगा? नहीं। यानी कि चारों ही केस में नहीं आएगा। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम देखते हैं कि बिजनेस एंड प्रोफेशन से जो इनकम हो रही है, तो जिससे इनकम हो रही है उसका कंट्रोल किसके हाथ में है, वो बिजनेस कंट्रोल किसके द्वारा हो रहा है। अगर वो बिजनेस इंडिया के द्वारा, इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे आरओआर और आरएनओआर देगा, एनआर नहीं देगा। और अगर वो बाहर से कंट्रोल होती है, इसका मतलब कि इसका कंट्रोल इंडिया से था, अगर इसका कंट्रोल इंडिया से था तो आरओआर और आरएनओआर दोनों दिए। लेकिन अगर इसका कंट्रोल इंडिया से नहीं है बल्कि जापान से ही है, यानी कि कंपनी भी जापान की, अर्न भी जापान में करते हैं, रिसीव भी जापान में करते हैं, जब सारी चीज आप जापान में करते हैं, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट देगा, एनओआर और एनआर नहीं देंगे। आ रही है बात समझ में? आरओआर बस देगा, एनआर और एनओआर नहीं देंगे। सर बिल्कुल क्लियर हो गया। एक तो आपने बोला कि अगर इनकम रिसीव हुई है इंडिया में, तीनों देंगे। अगर इनकम डीम टू रिसीव है, तीनों देंगे। डीम टू रिसीव क्या होता है, चर्चा करेंगे। इनकम एक्रू हुई है इंडिया में, तीनों देंगे। इनकम डीम टू एक्रू है, चर्चा करेंगे, तीनों देंगे। इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से हुई है, तो उस केस में साहब हम देखते हैं कि उसका कंट्रोल किसके हाथ में है। अगर कंट्रोल इंडिया से है तो आरओआर और आरएनओआर देंगे, एनआर नहीं देगा। अगर उसका कंट्रोल भी बाहर से है, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आरओआर देगा, आरएनओआर और एनआर नहीं देंगे। ठीक है सर। फिर इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, वही चीज है। जापान में मैंने कमाया, जापान में ही मैंने कमाया और जापान में ही मैंने रिसीव किया, कमाया भी वही, सर्विस भी वही दी और रिसीव भी वही किए। उस केस में चूंकि आपको इनकम अराइज भी बाहर हो रही है, रिसीव भी बाहर हो रही है, तो उस केस में सिर्फ आरओआर देगा, एनआर और एनओआर नहीं देंगे। ठीक। रेंट था, मेरा जापान में घर था, रेंट भी हमको जापान के ही घर से मिली, यानी कि अर्न एक्रू भी वही हुई, रिसीव भी मैंने जापान में किया, यानी कि एक्रू और अराइज दोनों बाहर हुआ, तो उस केस में सिर्फ आरओआर देगा, एनओआर और एनआर नहीं देंगे। ठीक। लास्ट केस है आपका पास्ट अनटैक्स्ड इनकम, यानी कि ऐसी कोई इनकम आपको मिलती है जिसपे पहले टैक्स नहीं लगने वाला था, कोई ऐसी इनकम आपको अराइज हुई है या एक्रू हुई है या रिसीव हुई है जिसपे पहले टैक्स नहीं था, वो अगर आज के डेट में आपको रिसीव या एक्रू होती है, तो उस केस में जब पहले भी टैक्स नहीं लगने वाला था तो अभी भी टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि तीनों को टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। एक मिनट का मैं समय दे रहा हूं, सारे के सारे अच्छे बच्चे उसको नोट डाउन कर लेंगे प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है।
तो एक मिनट का समय देता हूं, आराम से आप इसको पॉज कर देना वीडियो, और पॉज करके आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। ओके, तो जैसा कि हम लोगों ने अभी चर्चा किया था कि मैं दो टॉपिक जो है वो हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे क्या है कैसे है, तो उसमें एक हमने बताया था इनकम डीम टू रिसीव, यानी कि रिसीव हुई नहीं है लेकिन मान ली जाएगी कि रिसीव हो गई है, और दूसरा है इनकम डीम टू एक्रू और अराइज, यानी कि इनकम एक्रू या अराइज हुई नहीं है इंडिया में लेकिन मान ली जाएगी कि वो इंडिया में क्या हुई है, अराइज हुई, ठीक। इन चारों, इन दोनों के ही चारों चारों हिस्सों पे हम लोग बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है इनकम डीम टू रिसीव इन इंडिया में एनुअल एक्रीशन इन आरपीएफ, एनुअल एक्रीशन इन आरपीएफ, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड हालांकि हम लोगों को आगे चल के डिस्कस करना बहुत अच्छे तरीके से सैलरी के अंदर में, बट थोड़ा बहुत मैं आपको आउटलुक दे देता हूं कि जब किसी भी संस्था में कोई व्यक्ति काम करता है तो उसका एक गुल्लक तैयार होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोविडेंट फंड, ठीक। इस गुल्लक का नाम क्या है? प्रोविडेंट फंड। इस प्रोविडेंट फंड की इनकम, इस प्रोविडेंट फंड में जो इंप्लॉयर होता है और जो इंप्लॉई होता है दोनों कुछ कुछ हिस्सा इसमें जमा करते हैं, ठीक। कुछ कुछ हिस्सा उसमें क्या करते हैं? जमा करते हैं। इंप्लॉयर भी जमा करता है और इंप्लॉय भी जमा करता है, ठीक है। अच्छा, अब इंप्लॉय जो है वो तो अपने सैलरी का ही जमा करता है, जिसको सैलरी मिलती है या जो उसके अपने पास से जमा करता है, और इंप्लॉयर जो है वो उसको जितना इसने कंट्रीब्यूट किया उतना ही अमाउंट ये भी इसमें डालता है सैलरी के तौर पर, यानी कि एक उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है कि चलो तुम जितना पैसा प्रोविडेंट फंड में डाल लो उतना ही मेरे तरफ से भी ले लो, और ये हर साल जमा होते रहता है। सर दिक्कत ये फंस रही है मेरे दिमाग में आ रहा है, तो ये तो रिसीव हो गया ना इनकम इसको, क्योंकि ये सैलरी के तौर पे बोला कि ये सैलरी के तौर पे इतना पैसा भी हमसे रख लो। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि ये लो 10,000 की सैलरी प्लस मैं 2,000 आरपीएफ का दूंगा, यानी कि कितनी की उसकी सैलरी मिली है? 12,000। तो इनकम कितने की हो रही है? 12,000 की। लेकिन मामला फंस रहा है कि ये 10,000 तो उसको अपने बड़े से हाथों में मिल रहा है, ये 10,000 जो है उसको हाथ में मिल रहा है, लेकिन ये 2,000 उसके हाथ में नहीं आ रहा, रिसीव नहीं हुआ। आ रही बात समझ में? वो यहां चला गया, वो पीएफ में चला गया, यानी कि इनकम मैं आपको दे नहीं रहा हूं लेकिन वो कहां जमा होते जा रहा है? पीएफ में। तो ये मान ली जाएगी, भले तुमने रिसीव नहीं की है लेकिन ये मान ली जाएगी कि तुमने इनकम रिसीव कर ली है, हालांकि वो फंड में जा रहा है, ये फंड में जाता जाएगा, और जब तुम बूढ़े हो जाओगे और जब तुम्हारे हाथ में लाठी आ जाएगी, जब तुम रिटायर होगे, तो रिटायर होते समय ये गुल्लक को फोड़ दिया जाएगा और इस गुल्लक में जितना भी पैसा होगा फंड का वो तुमको दे दिया जाएगा, यानी कि ये फंड का पैसा आपका ही है, ये इनकम आपकी ही है, बट ये आपको अभी मिलेगी नहीं, ठीक है। यस सर, क्लियर। तो ये इनकम रिसीव नहीं हुई है लेकिन ये मान ली जाएगी कि ये आपको क्या हो गई है? रिसीव हो गई है, ठीक है सर। दूसरा बोला है ट्रांसफर्ड बैलेंस इन आरपीएफ फ्रॉम यूआरपीएफ। फिर इसको मैंने बता रहा हूं कि इसको हमको सैलरी में बहुत अच्छे से देखना है कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड क्या होता है, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड क्या होता है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड क्या होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है, ये चारों फंड के बारे में हम लोग को बहुत अच्छे से डिस्कस करना है। तो यूआरपीएफ के बारे में बस थोड़ा सा बता दूं कि यूआरपीएफ का मतलब होता है अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, वो फंड या वो प्रोविडेंट फंड जो कि इनकम टैक्स के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है, वो भी गुल्लक ही है, वो भी इंप्लॉयर है, वो भी इंप्लॉय सब कुछ वैसे ही है, बट ये गुल्लक जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक। यस, अब इसके पहले तुम कहीं काम करते होगे, जहां काम करते होगे वहां पे यूआरपीएफ था, अब तुम नए जगह नए कंपनी में आ गए,
नए कंपनी में भी तुम्हारा बोला गया कि जो प्रोविडेंट फंड का पैसा था वो तुम्हारा प्रोविडेंट फंड का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो फिर वही केस हुआ कि जो प्रोविडेंट फंड का बैलेंस था तुम्हारे पास, यहां मान लेते 2 लाख का बैलेंस था जो अब तक बचाए थे, वो 2 लाख जब यहां ट्रांसफर होगा तो फिर से ये रिसीव नहीं हो रहा इनकम, लेकिन मान लिया जाएगा कि ये इनकम क्या हुई है, रिसीव हुई है। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक, तो यूआरपीएफ से अगर आरपीएफ में बैलेंस ट्रांसफर करते हैं तो भी याद रखना, आरपीएफ से अगर आरपीएफ में होगा तो ये कंसीडर नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं फिर बता रहा हूं कि अगर यही आरपीएफ से आरपीएफ में भी ट्रांसफर होता है, एक कंपनी से काम करते दूसरे कंपनी में जाते हैं, वहां पे आरपीएफ था, यहां भी आरपीएफ है, तो अगर एक आरपीएफ से दूसरे आरपीएफ जगह ट्रांसफर होते हैं तो वहां पे आपका ये रूल अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी आरपीएफ में आपका डीम्ड पहले ही मान लिया गया है। ये यूआरपीएफ से अगर आप आरपीएफ में करेंगे तो जितना भी बैलेंस होगा उसको मान लिया जाएगा कि वो क्या है, ट्रांसफर है। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड। इसी तरीके से गवर्नमेंट पेंशन स्कीम लाती है। पेंशन स्कीम का मतलब होता है गवर्नमेंट आपके पेंशन फंड में पैसा डालती रहती है, और जब आप रिटायर होगे तो उसी पेंशन फंड में से आपको पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा पेंशन के तौर पे। तो अगर मैं पेंशन फंड में पैसा लगाता होगा तो वो रिसीव नहीं हुई है, लेकिन मान लिया जाएगा कि वो आपको पैसा रिसीव हुआ है, वो इनकम आपको रिसीव हुई है, भले वो आपको हाथ में ना होकर के आपकी इनकम के तौर पे ना दिखे, वो फंड के रूप में इकट्ठा हुई है, लेकिन फिर भी वो आपकी इनकम मान ली जाएगी। मैं जब बोलता हूं मान ली जाएगी, इसका मतलब कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं डीम्ड टू रिसीव की बात कर रहा हूं। डिविडेंड डिक्लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पेड, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये भी। डिविडेंड क्या होता है, कंपनी जो है वो अपने प्रॉफिट में से हिस्सा बांटती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, कंपनी जो है वो प्रॉफिट का हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करती है डिविडेंड के तौर पे। जिस दिन कंपनी ने डिक्लेयर किया, जिस दिन कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया उस दिन आपकी इनकम हो गई, जिस दिन कंपनी ने डिक्लेयर किया उस दिन आपकी वो इनकम मान ली जाएगी, भले आपको अभी रिसीव हुई है या नहीं हुई है। यानी कि डिक्लेयर हो गई, अभी डिस्ट्रीब्यूट हुई है या नहीं हुई है, पे हुई है या नहीं हुई है, कोई मतलब नहीं है। अगर डिक्लेयर हो गया इसका मतलब कि आपकी इनकम हो गई, या डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो भी आपकी इनकम हो गई, या पे हो गया भले आपके अकाउंट में भी आया नहीं है, रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। सर ये सब जरूरी क्यों होता है? इसलिए जरूरी होता है कि मान लेते हैं कि डिक्लेयर हुआ था 19-20 में और आपको रिसीव हुआ है 20-21 में। डिक्लेयर कब हुआ था 19-20 में और आपको रिसीव कब हुआ है 20-21 में, तो जल्दी से बताओ वो इनकम किस साल की मानी जाएगी? वो इनकम मानी जाएगी 19-20 की। डीम टू रिसीव यानी कि मान लिया जाएगा कि आपको डिविडेंड क्या हो गया है, रिसीव हो गया है, रिसीव होने का डेट का इंतजार नहीं किया जाएगा। यही सेम काम डिस्ट्रीब्यूट के साथ है और यही सेम काम पेड के साथ है। तो अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो गया है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया या पेड हो गया है, तो यह मान लिया जाएगा कि आपको इनकम इनकम अर्न हो गई है, भले आपको वो इनकम रिसीव हुई हो या ना हुई, ये इनकम आपकी मान ली जाएगी। टीडीएस बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन एक टर्म है टीडीएस। टीडीएस के बारे में हमने बताया था पहले भी कि दिस इज अ टैक्स डिडक्टेड सोर्स, यानी कि जहां से इनकम निकल रही है वहीं पे क्या लग जाता है, टैक्स। इसमें मैं आप लोग को बहुत डिटेल में तो बताने लायक नहीं है, बट फिर भी आइए देख लेते हैं। हालांकि टीडीएस हम लोग को बहुत डिटेल में आगे डिस्कस करना है, बट फिर भी मैं आपको एक छोटा मोटा एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूं छोटा मोटा, ताकि आपको चीजें थोड़ी क्लियर हो। क्या होता है कि अगर मान लीजिए 100 रुपए की इनकम, आप करोड़पति में गए और आपने 1 करोड़ रुपए की इनकम जीत ली, 1 करोड़ की अगर इनकम आपने जीत ली तो उस पर 30% टैक्स लग जाएगा, यानी कि 30 लाख, और 70 लाख रुपए आपको रिसीव होगा। आपको रिसीव कितना होगा, 70 लाख। जल्दी से बताइए आपकी इनकम कितनी मानी जाएगी? सर इनकम तो रिसीव हुई है 70 लाख, तो इनकम भी तो 70 लाख मानी जाएगी। बोलो भाई रिसीव कितना हुआ है आपको हाथ में? सर 70 लाख।
तो आपकी इनकम कितनी मानी जाएगी? 70 लाख। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपकी इनकम कितनी मानी जाएगी? 1 लाख। आ रही बात समझ? यानी कि टीडीएस को मान लेते कि आपने रिसीव किया है, हालांकि उसको हम बाद में टैक्स रिएक्टेड से उसको टैक्स में से माइनस करते हैं, वो हम लोग चर्चा करेंगे उसकी, एक पूरा टैक्स लायबिलिटी की एक हम लोग क्लास लेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, वो बहुत बात की चीज है। बट थोड़ा बहुत ऐसे समझ लो कि 1 करोड़ की इनकम थी, 30 लाख टैक्स लग गया, यानी कि 70 लाख आपको रिसीव हुआ, लेकिन मान लिया जाएगा कि 30 लाख भी आपको क्या हुआ है? रिसीव हुआ है, यानी कि आपकी इनकम कितनी है? 1 करोड़। आपकी इनकम कितनी मानी जाएगी? 1 करोड़। आ रही बात समझ में? यस सर। नेक्स्ट है हमारे पास इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। ठीक, इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इंडिया, ये चारों चीज पांचों क्लियर हो गया। आरपीएफ में अगर पैसा मिलता है, मिला नहीं है, मान लिया जाएगा पैसा मिल गया है, ट्रांसफर करते हैं, मान लिया जाएगा कि आपके ट्रांसफर से आपने इनकम हो गई है, भले आपको रिसीव हुई है या नहीं हुई है, पेंशन फंड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पे कर दिया, या फिर टीडीएस, इन सारे ही केस में एक इसमें एक और चीज आप ऐड कर लो, इंटरिम डिविडेंड। इसमें इंटरिम डिविडेंड भी आएगा क्योंकि ये भी एक डिविडेंड है, तो डिविडेंड ये डिक्लेयर डिस्ट्रीब्यूट पेड वाला हिसाब कितना है, ये सीधे बांट देते हैं। ठीक, इसमें कोई प्रोविजन विजन वाला हिसाब किताब नहीं होता, ये सीधे बांट दिया जाता है, तो ये भी आपका डीम टू रिसीव होगा इंटरिम डिविडेंड। ठीक, आते हम लोग चर्चा करते इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। डीम टू एक्रू और अराइज में पहला बोला है इनकम थ्रू एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। अगर आपका बिजनेस जो है, जो अभी हम जापान वाला एग्जाम्पल लिए थे, मैं जापान में काम करता हूं, मैं जापान में काम करता हूं और या इसको ऐसे समझते हैं कि आपका कोई बिजनेस से इनकम हुई है, आपको किसी बिजनेस से क्या हुई है? इनकम हुई है, जिसका कनेक्शन कहां पे है? जिसका कनेक्शन है इंडिया से। आपको इनकम हुई है किसी ऐसे जगह से जिसका कनेक्शन कहां पे है? इंडिया में। जैसे कि रॉ मटेरियल हम वहां से मंगवाते हैं, रॉ मटेरियल नहीं, रॉ मटेरियल भी है, फिनिश गुड्स हम बनाते हैं सब कुछ इंडिया में, लेकिन हम उसको जो सेलिंग वाला काम है, जो बेचने वाला काम है, वो मेरा कहां होता है? विदेश में होता है। यानी कि अगर बिजनेस कनेक्शन उसका इंडिया से है और भले मैं उसको सेल करता हूं बाहर, बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है लेकिन मैं सेल करता हूं उसको बाहर, तो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हुआ, इंडिया में ही परचेज हुआ, इंडिया में ही उसकी मार्केटिंग हुई, सब कुछ इंडिया में हुआ, लेकिन सेल कहां होती है? अगर बाहर जाके मैं करता हूं तो उसको कहते हैं बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, यानी कि उसका बिजनेस कनेक्शन कहां है? इंडिया में। तो अगर ऐसी कोई भी इनकम होती है जिसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया से है, तो उस केस में भी ये मान लिया जाएगा कि वो इनकम अर्न कहां हुई है, एक्रू और अराइज कहां हुई है? इंडिया में। भले आपको इनकम कहां जनरेट हो रही हो? फॉरेन में, क्योंकि सेल कर रहे हो फॉरेन में। जब सेल हो रही है फॉरेन में तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कहां हो रही है? फॉरेन में। तो इसका मतलब कि इनकम भी कहां हो रही है? फॉरेन में। लेकिन मान लिया जाएगा चूंकि उसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया से था, तो ये मान लिया जाएगा कि ये अक्रू और अराइज कहां हुई है? इंडिया में हुई है। आगे बात समझ में? तो ऐसी कोई भी इनकम जिसका बिजनेस कनेक्शन अगर इंडिया से, बिजनेस कनेक्शन का मतलब हो गया प्रोडक्शन होता है, मार्केटिंग होती है, परचेज होता है, सब कुछ इंडिया में अगर होता है, तो उसको हम कहते हैं बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। ठीक है? यस सर। नेक्स्ट, इनकम थ्रू और फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया। ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो आपकी इंडिया में है और उससे आपको इनकम होती है, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो मेरी क्या है? इंडिया में है। प्रॉपर्टी एसेट ऑलमोस्ट एक ही है। अगर प्रॉपर्टी से मुझे इनकम होती है, यानी कि सपोज मान लेते हैं कि मेरा एक घर है इंडिया में, ठीक है, ये घर कहां है? इंडिया में।
एक घर कहाँ है, इंडिया में है, और हम लोग जो है रेंट एग्रीमेंट वगैरह सब विदेश में होता है, माने कि रेंटल एग्रीमेंट सारा का सारा कहाँ है, फॉरेन में। बट चूंकि ये रेंटल एग्रीमेंट एक्रू अराइज सब कुछ बाहर ही हो रहा है, बट चूंकि उसका अगर वो एसेट जो है वो इंडिया में है, यानी कि जो प्रॉपर्टी है या फिर जो एसेट है, अगर ये प्रॉपर्टी हो गई तो ये बी पार्ट हो जाएगा, और अगर यही कोई एसेट हो गया तो ये सी पार्ट हो जाएगा। यानी कि अगर ये प्रॉपर्टी हुई या फिर कोई एसेट हुआ, ठीक, और उससे इससे मुझे रेंट मिलता है या इससे मुझे कोई हायर परचेज एग्रीमेंट के थ्रू हायर मिलता है, रेंटल चार्जेस मिलते हैं, तो ऐसी इनकम को मान लिया जाएगा कि वो इनकम कहां से जनरेट हो रही है, इंडिया से। यानी कि मैं भी रहता हूं फॉरेन में, रेंट एग्रीमेंट भी फॉरेन में हुआ है, बट जो इनकम जनरेट हो रही है वो कहां से हो रही है, इंडिया से हो रही है, तो ये मान लिया जाएगा कि वो कहां है, इंडिया से जनरेट हो रही है, यानी कि डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी का मतलब हो गया रेंट हो रही है हमको, या एसेट के थ्रू अगर हायर चार्जेस या कुछ भी ऐसा मुझे इनकम होती है जो कि एसेट से होता है, तो दोनों ही केस में ये मान लिया जाएगा कि वो इनकम कहाँ एक्रोलराइज हो रही है, इंडिया में। एक्रोलराइज इंडिया में हो नहीं रही, लेकिन ये मान लिया जाएगा कि वो एक्रोलराइज कहाँ हो रही है, इंडिया में हो रही है। और लास्ट है ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट। अगर मैंने इस घर को बेच दिया और बेच करने यानी कि सेल कर दिया, और सेल करने पर जो भी इनकम होगी वो इनकम भी मान लिया जाएगा, मान लिया जाएगा कि वो इनकम कहां से एक्रू हो रही है, इंडिया से। वो इनकम कहां से अराइज हो रही है, इंडिया से। यानी कि पहला था कि वो बिजनेस कनेक्शन अगर इंडिया में है, यानी कि प्रोडक्शन या मार्केटिंग या कुछ भी ऐसा परचेज का काम इंडिया में करते हो, सेल आप बाहर करते हो, तो ये मान लिया जाएगा कि उसका बिजनेस से कनेक्शन इंडिया से है, तो भी टैक्स देना पड़ेगा, डीम टू अक्रू मान लिया जाएगा। दूसरा क्या है कि अगर वो प्रॉपर्टी इंडिया में है, भले सारा एग्रीमेंट सब बाहर होता है, हमसे कोई मतलब नहीं है, एक्रूअलाइज कहाँ हो रहा है कोई मतलब नहीं है, रेंट अगर हम रेंट हमें मिल रहा है इंडिया की प्रॉपर्टी से, यानी कि अराइज कहाँ से हो रहा है, इंडिया से अगर अराइज हो रहा है, तो वो डीम टू अक्रूअलाइज इंडिया मान लिया जाएगा। वही प्रॉपर्टी जगह अगर एसेट हो गया, अगर एसेट से मुझे हायर चार्जेस मिलता है या कुछ भी ऐसा एग्रीमेंट के तौर पे मिलता है, तो वो भी मान लिया जाएगा कि डीम टू अक्रूअलाइज कहाँ हो रही है, इंडिया से हो रही है। और लास्ट है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। इसी प्रॉपर्टी को या इसी एसेट को मैंने बेच दिया और सेल करने पे जो मुझे कंसिडरेशन मिला, वो कंसिडरेशन से जो भी इनकम होगी उसको भी हम क्या बोलेंगे, इनकम डीम टू अक्रूअलाइज इन इंडिया। ठीक है, आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था और ये आप लोगों को क्लियर हो गया। ये सारी बातें आप अपने दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम लोग कल की क्लास में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत रेलेवेंट है, बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। ठीक, वो चार्ट आप ध्यान देना, वो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, तो उस चार्ट पर फोकस करना। ठीक है, तो इसको भी मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया, डीम टू रिसीव क्या होता है और डीम टू एक्रू क्या होती है, और वो चार्ट जो मैंने बताया था कि रिसीव अगर होती है इंडिया में, डीम टू रिसीव होती है, एक्रू होती है, डीम टू एक्रू होती है, तो इन चारों केस में आरओआर, आरएनओआर और एनआर तीनों के टैक्स देंगे। ठीक, अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन की बात करें, तो अगर वो कंट्रोल इंडिया से होता होगा तो आरओआर और आरएनओआर देंगे, और अगर वो कंट्रोल आउटसाइड इंडिया होता होगा तो सिर्फ आरओआर देगा, आरएनओआर और एनआर नहीं देंगे। और लास्ट हम लोगों ने देखा था इनकम एक्रू भी हो रही है बाहर, अराइज भी हो रही है बाहर, रिसीव भी हो रही है बाहर, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ आरओआर देगा, आरएनओआर और एनआर नहीं देंगे। ठीक है, तो आई गेस सब चीज हम लोगों ने रिवाइज कर लिया है, अब बस एक हमारे न्यूमेरिकल की क्लास बची हुई है और हमारा ये पहला यूनिट क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक, रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, प्रॉपर चार्ट बना लो, चार्ट को एक बार देख लो और न्यूमेरिकल पे लगते हैं। ठीक है, चलो फिर, टाटा बाय बाय, जय हिंद।